हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी देखिए टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस यानी कि 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि डिफरेंस यानी कि अंतर यानी 5 महत्वपूर्ण अंतर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करा दिया, उसमें भी हमने आपको 5 इंपोर्टेंट अंतर की वीडियो हमने प्रोवाइड कराई है। आज की इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे जो पहला डिफरेंस है वो है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी के मध्य अंतर यानी होमोजाइगस और हेटरोजाइगस के मध्य डिफरेंस। देखिए यह क्वेश्चन अक्सर 3 नंबर के एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो कम से कम आपको 3 अंतर फिर भी तैयार करने। देखिए सबसे पहले यदि हम समयुग्मजी या होमोजाइगस की बात करते हैं, तो किसी भी प्रकार से यदि आप होमोजाइगस से जब बात करते हैं तो होमोजाइगस जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सम, अर्थात यहां पे हमारे पास मान लीजिए यदि कोई एक लक्षण या कोई कारक है उसके लिए जो दोनों युग्म विकल्पी अर्थात जो दोनों जीन या एलील होंगे उनका संगठन क्या होगा, समान होगा। अर्थात किसी एक लक्षण के लिए दो जीन या कारक या एलील यदि आपस में समान है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लक्षण है जैसे पुष्प कैसा है, लंबा, तो उस लंबे पुष्प के लिए दो एलील या कारक जो हम लेंगे वो दोनों यदि कारक या एलील समान है तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। सेम उसी प्रकार जैसे विषमयुग्मजी में आप देखेंगे, विषमयुग्मजी में इसका अपोजिट हो जाएगा। विषमयुग्मजी में देखिए क्या होगा कि जब किसी एक लक्षण के लिए जो हम कारक या दो एलील लेंगे वो यदि आपस में समान नहीं है यानी असमान प्रकार के हैं तो उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी यदि कोई एक लक्षण है तो उसके लिए हमने जो दोनों जीन लिए हैं कैपिटल टी ये समान है, स्मॉल टी भी समान है, तो यदि हमने जो कारक या एलील लिया है वो यदि समान है तो समयुग्मजी कहलाते हैं और यदि वो विषम है तो विषमयुग्मजी कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी यहां पर शामिल है अर्थात यहां पे कौन सी अवस्था है, विषमयुग्मजी अवस्था है, क्योंकि यहां पे एलील या कारक जो हैं असमान प्रकार के हैं। दूसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस क्या है इनमें कि जो जनन के समय इनमें क्या होता है, जो समयुग्मजी होते हैं ये एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समयुग्मजी मतलब युग्मक जो है समान प्रकार के उत्पन्न होंगे, वहीं जो विषमयुग्मजी है इनमें आप देखेंगे कि युग्मक भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं यानी एक समान प्रकार के युग्मक इसमें नहीं बनते हैं, अर्थात गैमेट जो है अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि इन समयुग्मजी पौधों में जब हम स्वपरागण या अंतः प्रजनन कराते हैं तब जो संतति उत्पन्न होती है वो जनकों के समलक्षणी या समजीनी प्रकार की होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कोई पेरेंट्स है उनसे जो संतति या पुत्री जीव बनेंगे वो भी क्या होंगे, समान प्रकार के होंगे। वहीं यदि विषमयुग्मजी में बात करें तो इनमें स्वपरागण होने पर संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों विपर्यायी लक्षण संततियों में व्यक्त होते हैं। देखिए ये विषमयुग्मजी में क्या होगा कि ना तो प्रभावी और ना तो अप्रभावी बल्कि दोनों प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण जो हैं व्यक्त होते हैं यानी कि उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से पहला अंतर आपको याद करना है समयुग्मजी व विषमयुग्मजी के मध्य। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है वो है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के मध्य अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन फूड वेव एंड फूड चैन। तो फूड चैन और फूड वेव में अंतर, देखिए खाद्य श्रृंखला जिसको कि हम फूड चैन कहते हैं और खाद्य जाल जिसको कि हम फूड वेव कहते हैं। पहला डिफरेंस देखिए क्या है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है यह किसी भी इकोसिस्टम में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पथ की खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आप पाएंगे कि इकोसिस्टम के अंदर जो भोज्य पदार्थ होता है उनके स्थानांतरण का अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोज्य पदार्थों के जाने का जो क्रमबद्ध प्रवाह पथ होता है अर्थात उनके जाने का जो एक रास्ता या पथ या मार्ग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस चयन या श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का जो क्रमबद्ध प्रवाह पथ होता है वही कहलाता है खाद्य श्रृंखला। वही खाद्य जाल या फूड वेव की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी इकोसिस्टम में जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके संयुक्त पथों को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपस में कई सारे खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से जो एक समूह बनता है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो कई सारे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह पथ होता है वो सरल रेखा में होता है अर्थात एक ही रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में होता है। वहीं यदि खाद्य जाल की बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह पथ होता है वो अनियमित होता है क्योंकि कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जा रही है और कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलेगी
तो जरूरी तो नहीं है कि उनमें जो ऊर्जा का प्रवाहपथ होगा वो एकदम से नियमित तरीके से होगा। तो इस प्रकार से इनमें जो ऊर्जा का प्रवाहपथ होता है वो अनियमित रूप से होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो प्रवाहपथ होता है इसमें वो हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है। वहीं खाद्य जाल में आप देखेंगे कि जो प्रवाहपथ होता है एनर्जी का वो कई दिशाओं में होता है। तो तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो प्रवाहपथ होता है खाद्य श्रृंखला में वो सदैव एक ही दिशा में होता है, वहीं खाद्य जाल में जो प्रवाहपथ होता है वह कई दिशाओं में होता है। तीसरा डिफरेंस है खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। देखिए खाद्य को हम बोलते हैं मैनर और जैव उर्वरक को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। देखिए खाद्य की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। यदि आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसमें कार्बनिक पदार्थों यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो क्वांटिटी है वो अधिक मात्रा में होती है खाद्य के अंदर। वहीं जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर में आप देखेंगे कि इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक होती है। अर्थात जैव उर्वरक जो है बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं क्योंकि इनमें इन्हीं की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि खाद को बेसिकली जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों तथा पौधे के मृत भागों के अपघटन से तैयार किया जाता है। किसी भी खाद को आप देखेंगे तो नॉर्मली तौर से आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि खाद को हम किससे तैयार करेंगे, तो जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं जैसे गोबर, मूत्र वगैरह इनसे, साथ ही साथ जो पौधे के मृत भाग जैसे पत्तियां वगैरह गिरने के बाद सड़ जाती हैं इनसे तैयार किया जाता है। तो खाद या मैनर जो है बेसिकली जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों या किसी भी प्रकार से प्लांट के मृत भाग जो होते हैं उनके अपघटन से तैयार किया जाता है। जैव उर्वरक को बेसिकली जो है इसे व्यापारिक रूप से रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। आप इनको पाएंगे कि जो जैव उर्वरक होते हैं बायो फर्टिलाइजर इनको बेसिकली व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों से यानी कि केमिकल मटेरियल्स के अंतर्गत बनाया जाता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि ये बेसिकली मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं। जो खाद्य होते हैं ये मृदा की उर्वरता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं अपितु इसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं यानी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। वहीं जैव उर्वरक की यदि हम बात करें तो लगातार यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो उससे मृदा की उर्वरता में कमी भी आती है। तो तीसरा डिफरेंस भी आपको तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए जो चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है वो है समजात व समवृत्ति अंगों के मध्य अंतर। देखिए जब भी हम बात करते हैं समजात व समवृत्ति अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स, तो होमोलोगस ऑर्गन्स की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली समजात अंग आपने पढ़ा कि समजात अंग क्या होते हैं, जीवधारियों के ऐसे अंग जो कि रचना तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाते हैं तथा कार्यों में भिन्नता दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो जीवों के वे अंग जो कि रचना तथा उत्पत्ति में समानता प्रदर्शित करते हैं समजात अंग कहलाते हैं। पहला डिफरेंस तो आपको डिफिनेशन लिखनी है दोनों की। वहीं समवृत्ति अंग में आप क्या लिखेंगे कि जीवों के ऐसे अंग जो कि रचना व उत्पत्ति में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, सेम अपोजिट। समजात अंग में रचना व उत्पत्ति में समानता दर्शाते हैं और समवृत्ति अंग जो होते हैं कार्यों में समानता दर्शाते हैं, ये रचना व उत्पत्ति में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो समजात अंग होते हैं ये बेसिकली संरचनाएं जो है इस बात को प्रमाणित करती है कि इनको धारित करने वाले जीव विकास की दृष्टि से जुड़े हुए हैं, अर्थात विकासात्मक दृष्टि से जुड़ी हुई संरचना नजर आती है। जब भी आप समजात अंगों की बात करेंगे तो इनमें जो भी संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी वो संरचनाएं इस बात की भी पुष्टि करती है कि इनका जो है क्रमिक विकास हुआ है और ये बेसिकली जो है जैव विकास की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। वहीं समवृत्ति अंगों की यदि हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इनको धारित करने वाले जो जीव हैं वो जैव विकास की दृष्टि से अलग अलग होते हैं क्योंकि बेसिकली इनमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है रचना एवं उत्पत्ति के समय ही। अर्थात आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो जैव विकास है इसकी दृष्टि से ये बेसिकली अलग अलग होते हैं। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है इनमें कि ये अंग बेसिकली बाहर से जब आप देखेंगे तो बाहर से देखने पर आपको अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं और वहीं यदि समवृत्ति अंगों की बात करेंगे तो ये बेसिकली बाहर से समानता प्रदर्शित करते हैं। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ये आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं जैसा कि आपने पहले ही देखा। और चौथा डिफरेंस इनमें क्या है कि आंतरिक संरचना में पूर्णता भिन्न होते हैं। जो समवृत्ति अंग होते हैं ये बाहर से तो समानता दर्शाते हैं लेकिन आंतरिक संरचना में पूर्णता भिन्न होती हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं समजात अंगों की तो ये बाहर से देखने पर अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं लेकिन ये आंतरिक संरचना में समानता दर्शाते हैं। पांचवा और आखिरी डिफरेंस क्या है कि इसके एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। मेढक के अग्रपाद
चमगादड़ के पंख व घोड़े के अग्रपाद, ये सभी समझात अंगों के एग्जाम्पल है। वहीं यदि समवृत्ति अंगों के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो तितली हो गई, इसके अलावा चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के हाथ, ये सभी के सभी समवृत्ति अंगों के समवृत्ति अंगों के एग्जाम्पल हैं। तो इनको आपको याद रखना है अच्छे से। समझात व समवृत्ति अंगों में अक्सर कई बार इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला जो आखिरी डिफरेंस है वो है डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस यही बताना है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, वहीं आरएनए में आप बताएंगे कि इसमें राइबोज प्रकार की शर्करा जो है पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो डीएनए होते हैं इनमें पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं वो बेसिकली एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन प्रकार के होते हैं। तो आप यदि डीएनए की बात करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं चार प्रकार के, वो होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। वहीं आरएनए में यदि हम बात करें तो आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारकों में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल होते हैं। यहां पे थायमिन की जगह में केवल यूरेसिल आ जाता है, बाकी तीन प्रकार के जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो सेम डीएनए के समान ही होते हैं। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि यह बेसिकली केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, वहीं आरएनए जो है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में ही न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है इनमें कि डीएनए अणु में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं इनकी दो श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे पर कुंडलित होती है और इसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़े के क्रम में होते हैं। आप पाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जोड़े के क्रम में उपस्थित होते हैं। आरएनए में यदि बात करें तो आरएनए अणु में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं इनकी केवल एक ही श्रृंखला होती है। डीएनए में आप पाएंगे कि द्विकुंडलित संरचना होती है, अर्थात दो कुंडलन या दो स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं आरएनए में आप देखेंगे तो इनमें केवल एक ही अणु न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का बना होता है। तो इस प्रकार से यहां पे पांचों जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि डेफिनेट रूप से आपके एनुअल एग्जाम में कई सारे डिफरेंस यहां से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।